नमस्कार बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज हम आप लोगों को बताएंगे प्रेरण मोटर में हानियां एवं दक्षता। दक्षता के लिए परीक्षण। सबसे पहले हम आप लोगों को बताएंगे दक्षता क्या होती है। दक्षता यानी इफिशियंसी। दक्षता बराबर होता है आपका निर्गत शक्ति, बटा निवेश शक्ति। ठीक, यानी कि आउटपुट पावर अपान इनपुट पावर। अब हम जो है निर्गत शक्ति बटा निवेश, निवेश शक्ति को हम लिख सकते हैं निर्गत यानी आउटपुट पावर, निर्गत शक्ति प्लस हानियां। ठीक, अब जो है हम इसको और थोड़ा डिटेल में लिख सकते हैं निर्गत शक्ति बटा निर्गत शक्ति प्लस हानियां को हम लिख सकते हैं दो भागों में इसको, लो हानियां प्लस ताम्र हानियां। अब देखिए जो है किसी भी मशीन का जो है दक्षता निकालने के लिए हमको निवेश शक्ति निकालने से जो आसान होता है कि हम उसकी हानियां निकाल लें, क्योंकि जो आपका कोई भी मशीन हो या ट्रांसफार्मर हो या इंडक्शन मोटर हो, कोई भी हो या जनरल है, कि आप जो है अगर दक्षता निकालना है तो आपको उनकी हानियां निकालना आसान है, क्योंकि उस मशीन की कैपेसिटी के अनुसार आप उस पर लोड नहीं दे पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए हम जो है निवेश निकालने से बढ़िया यह समझते हैं कि हम जो है उसकी हानियां निकाल लें। और निर्गत जो होता है वह मशीन के नेम प्लेट पे दिया रहता है, जैसे मोटर है 5 HP, तो उसका निर्गत हो गया जो है HP में हम जो है 735.5 से गुणा कर देंगे, वाट में चेंज होगा। उसी तरह ट्रांसफार्मर है तो उसका निर्गत KVA में दिया रहता है। तो हम क्या करते हैं, निवेश शक्ति न निकालने के बजाय हम जो है हानियां निकालते हैं। तो इंडक्शन मोटर में हमको दक्षता निकालने के लिए हमको यह दो हानियों की गणना करनी होती है, लौ हानियां और ताम्र हानियां। और इसके लिए हमको जो है कुछ परीक्षण करने पड़ते हैं। सबसे पहला परीक्षण आपका होता है वह होता है शून्य लोड परीक्षण, यानी नो लोड परीक्षण। पहला आपका होगा नो लोड परीक्षण, शून्य भार परीक्षण, शून्य भार परीक्षण। इसके लिए देखिए हम सर्किट डायग्राम बना दे रहे हैं।
ये आपका ऑटो ट्रांसफार्मर है, यहाँ पे एक वाट मीटर लगाइए, ठीक। और यहाँ पे एक वोल्ट मीटर लगा दीजिए। और यहाँ पर थ्री फेज वाट मीटर, फिर जो है आप यहाँ वाट मीटर के बाद कनेक्शन लाएंगे इंडक्शन मोटर, या मान लीजिए मोटर आपका डेल्टा बाइंडिंग मोटर है, डेल्टा कनेक्टेड मोटर। ये आपका स्टेटर, ये आपका है रोटर, ठीक। ये आपका थ्री फेज वाट मीटर, ये आपका आर वाई भी कनेक्शन देंगे, ये आपका ऑटो ट्रांसफार्मर। ठीक, अब देखिए जो है हम जो शून्य भार परीक्षण करते हैं वह निर्धारित वोल्टता पकड़ते हैं, और उस निर्धारित वोल्टता को हम मापते हैं इस वोल्टमीटर के द्वारा रीडिंग लेते हैं। और यह शून्य भार पर, यानी कि उस समय मोटर के ऊपर कोई लोड नहीं होता है, उसको नोट करते हैं। और यह जो आपका वाटमीटर है, यह शून्य भार पर जो हानियां हो रही हैं उनको जो है प्रदर्शित करता है, ठीक है। यानी कि हम नॉर्मल वोल्टेज पर, नॉर्मल वोल्टेज का मतलब इंडक्शन मोटर के 440 वोल्ट नॉर्मल वोल्टेज पे करेंगे, और इससे जो है शून्य भार पर जो करंट होगा उसको नोट करेंगे, वोल्ट मीटर की रीडिंग नोट करेंगे, और यहाँ से जो शून्य भार पर हानियाँ हैं वाट मीटर की रीडिंग उसको नोट करते हैं। तो उसको नोट करने के बाद जो है हम जो है क्या क्या जो है शून्य भार हानियाँ से जो है प्राप्त करते हैं, चलिए इतना देखिए। सबसे पहले वाट मीटर की रीडिंग जो हम लेते हैं उसको हम डब्लू जीरो से डिनोट करते हैं, यानी शून्य भार हानियाँ, शून्य भार, ठीक। एमीटर की रीडिंग लेंगे जो, वह होगा आपका आई जीरो, शून्य भार धारा, और यह आपका जो होगा वी होगा, यह नॉर्मल वोल्टेज होगा, सामान्य वोल्टेज, यानी यह निर्धारित वोल्टेज लिखिए, निर्धारित वोल्टेज, निर्धारित वोल्टता, ठीक है। तो इससे जो है इस
रीडिंग के द्वारा हम जो है निम्नलिखित जो है राशियां जो है इंडक्शन मोटर की प्राप्त करते हैं। पहला तो है डब्लू जीरो, यानी कि यह शून्य भार हानियां, शून्य भार हानियां यानी इसको हम लव हानियां भी कहते हैं, क्योंकि वाट मीटर जो है इसमें कुछ जो है ताम्र हानियां को भी देता है, लेकिन जीरो लोड पे धारा का मान इतना कम होता है कि हम जो है ताम्र हानियों को नगण्य कर देते हैं। यानी वाट मीटर कौन सा रीडिंग देगा, शून्य भार पर वह जो है लव हानियां और यांत्रिक हानियां का अंश रहेगा और हम ताम्र हानियों को नगण्य कर देते हैं, ठीक है। यानी डब्लू जीरो बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट थ्री, ये आपका नॉर्मल लोटर बी, और आई जीरो और कास फाई जीरो। कास फाई जीरो का मतलब जो शून्य लोड का शक्ति गुणक। अब इससे जो है हम शून्य लोड पे शक्ति गुणक क्या होगा, कास फाई जीरो बराबर इसको हम निकाल लेते हैं डब्लू जीरो अपान अंडर रूट थ्री वी आई जीरो, ठीक। अब देखिए कास फाई जीरो का मान निकल गया। अब इससे जो है हम नो लोड पर जो आई जीरो धारा है इसका जो सक्रिय घटक है, यानी कि जो हानि के लिए जो है कंपोनेंट है वो यानी आई म्यू आई डब्लू, आई डब्लू बराबर क्या हो जाएगा, आई जीरो कास फाई जीरो, इसकी गणना कर लेते हैं, ठीक है। अब जो है हम यहीं से आई म्यू यानी चुंबकन घटक मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ आई जीरो, ये आपको अंडर रूट आई जीरो स्क्वायर माइनस आई डब्लू स्क्वायर, इतना गणना हमको मिल जाती है, ठीक है। अब जो आप हम दूसरा परीक्षण करेंगे जो उसको कहते हैं ब्लॉक रोटर टेस्ट। दूसरा कौन सा परीक्षण होगा, ब्लॉक रोटर टेस्ट, यानी दूसरा टेस्ट होगा उसको हम कहते हैं ब्लॉक रोटर यानी अवरुद्ध रोटर, रोटर स्थिर रहेगा, अवरुद्ध रोटर परीक्षण, ठीक है। अब दूसरे परीक्षण में हम क्या करते हैं कि इधर से सेम रहेगा आपका ऑटो ट्रांसफार्मर के द्वारा सप्लाई, इसमें हम क्या करते हैं रोटर को जो है जाम कर देते हैं, यानी इसको ब्लॉक कर देते हैं। किससे ब्लॉक कर देते हैं, यह जो आपका यह ड्रम ब्रेक ड्रम पुली के थ्रू यहाँ पे इसको इसको हम जाम कर देते हैं, ठीक है। यानी रोटर को जाम कर देते हैं, यानी कि यह जो आपका टेस्ट होगा वो ट्रांसफार्मर का जो शॉर्ट सर्किट टेस्ट होता है, यानी यह जो है इंडक्शन मोटर का क्या कहा जाएगा, लघु परिपथ परीक्षण यानी अवरुद्ध रोटर परीक्षण। तो इसमें हम क्या करते हैं, इस परीक्षण को हम करते हैं निर्धारित धारा पे, ठीक है। जो पहला परीक्षण था क्या, वह निर्धारित वोल्टता पे करते थे, इसको क्या करेंगे निर्धारित धारा पे और रोटर को जाम कर देंगे। यानी कि इस परीक्षण में हम जो वोल्टेज देंगे वह नॉर्मल वोल्टेज का 10 से 20 प्रतिशत ही मोटर को देंगे और उसी वोल्टेज में मोटर जो है निर्धारित धारा जो है मोटर के अंदर प्रभावित होने लगेगी, ठीक है। तो इसमें हमको क्या क्या मिलता है, यानी कि हम रोटर को इंडक्शन मोटर के रोटर को ब्लॉक करके यानी 10 से 20 प्रतिशत जो नॉर्मल वोल्टेज का वोल्टेज देते हैं उससे इसमें जो है पूर्ण भार धारा जो है प्रवाहित होने लगती है। तो वह वोल्टेज जो BS होता है, यानी यह जो आपका शॉर्ट सर्किट वोल्टेज होता है यह BZ के ही बराबर होता है। BZ का मतलब प्रतिबाधा बोलता है, यानी कि जो वोल्टेज हम मोटर को दे रहे हैं वह मोटर के अंदर जो इम्पीडेंस है उनको उनके अंदर केवल जो इम्पीडेंस के विरुद्ध धारा बहाने में ही खर्च हो जाता है, यानी कि हम BS को क्या कह सकते हैं, BZ, ठीक है। अब देखिए जो है इस परीक्षण से एक हम सबसे बड़ी चीज़ वह प्राप्त करते हैं
कि नॉर्मल वोल्टेज पर जो शॉर्ट सर्किट करंट क्या होती है, क्योंकि इसका आगे चल के इसी आधार पे हम जो है इंडक्शन मोटर का सर्किट डायग्राम खींचते हैं। तो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण क्या होता है, नॉर्मल वोल्टेज पर लघु परिपथ धारा, यानी मान लीजिए आपका नॉर्मल वोल्टेज पे लघु परिपथ धारा जो है IS है, और यह आपका भी नॉर्मल वोल्टेज है, और यह BS क्या है, यह जो BS जो है BZ के बराबर है, ठीक है, अब इंटू I क्या है, यह पूर्ण भार धारा है। यानी इस परीक्षण से पहला जो हम प्राप्त करते हैं सामान्य वोल्टता पर लघु परिपथ धारा का गणना कर लेते हैं। इसके बाद जो है जो वाट मीटर रीडिंग देगी वो हमको जो है ताम्रहानियाँ को प्रदर्शित करती है। हालांकि थोड़ा बहुत जो है इसमें लव हानियाँ भी होती हैं, लेकिन वोल्टेज जो है इतना कम होता है कि हम लव हानियों को जो है नगण्य कर देते हैं। इसलिए जो वाट मीटर देगा WSC यानी ब्लॉक रोटर में, यह किसके बराबर होगा, ताम्रहानिया, यह ताम्रहानिया के बराबर होगा, ठीक। और आपको यह WSC जो है रीडिंग मिलेगी वह किसके बराबर होगा, √3 BS, यह नॉर्मल वोल्टेज नहीं है, BS यानी नॉर्मल वोल्टेज का जो है 10-20% BS इंटू आई क्या है, यह नॉर्मल निर्धारित करंट है, इंटू cos 5 SC शॉर्ट सर्किट के समय पावर फैक्टर। तो इससे हम क्या गणना कर लेते हैं, cos 5 SC का यह बराबर हो जाता है WSC अपॉन √3 VSI, ठीक है। अब देखिए, अब हम यहाँ से जो है कुछ और जो है राशियाँ गणना कर लेते हैं, जैसे जैसे कि टोटल रेजिस्टेंस ऑफ इंडक्शन मोटर रेफर टू स्टेटर। तो आपका देखिए यह WSC और एक फार्मूला होता है, WSC बराबर होता है 3 IP² R01, ठीक है। IP क्या है, फेज वोल्टेज, R01 क्या है, टोटल रेजिस्टेंस रेफर टू स्टेटर। तो इससे हम R01 का गणना करते हैं, जहां आप IP का मतलब है IP बराबर जो है यह जो I बराबर √3 IP, ठीक है। I क्या है, लाइन करंट है, और IP क्या है, फेज करंट, इसमें संबंध होता है। तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं, R01 यह हो जाएगा WSC अपॉन 3 IP², ठीक है। इसी तरह से हम जो है Z01 टोटल इम्पीडेंस रेफर टू स्टेटर इसकी गणना कर सकते हैं, यह हो जाएगा आपका BS अपॉन IP। अब यहाँ से हम टोटल रिएक्टेंस रेफर टू प्राइमरी गणना कर सकते हैं, यह हो जाएगा आपका Z01² - R01² इस तरह से हम इतना जो है जो क्वांटिटी की जो राशियां हैं उनका हम मान निकाल लेते हैं। अब आइए आपको हम दक्षता की गणना कर दें। देखिए दक्षता में हम पहले आपको बता चुके हैं क्या चाहिए आपको, आउटपुट अपॉन इनपुट। तो आउटपुट यानी निर्गत शक्ति की गणना आप कहाँ से करेंगे, मोटर के नेम प्लेट पे जाएंगे, उस पर दिया रहेगा 5 HP का मोटर है कि 10 HP का है, जो भी है, यानी HP निर्गत क्या आ जाएगा, HP गुणे 735.5 यह निकल जाएगा वाट, ठीक है।
यह निर्गत हो गया। हानियां आपको क्या थी वाट मीटर की? हानियां आपने जो शून्य भाव शून्य लोड पर परीक्षण किया, यानी युवा क्या थी W जीरो यानी लव हानिया प्लस शॉर्ट सर्किट में जो यानी कि ब्लॉक रोटर में जो आपने परीक्षण किया वह क्या थी कापर लॉस SC वाट मीटर का रीडिंग। यानी अब दक्षता बराबर आपका निर्गत शक्ति, निर्गत शक्ति का मतलब आप इसको लिख सकते हैं HP गुणे 735.5 बटा निवेश शक्ति। निवेश की जगह आप लिख सकते हैं निर्गत प्लस हानिया, निर्गत की जगह आप लिख सकते हैं HP गुणे 735.5 प्लस आपका W0 प्लस WSC। ठीक है, अब यह कैलकुलेट कर लेंगे। अब आपको प्रतिशत में निकालना है तो इसमें 100 से आप गुणा कर देंगे और इधर भी आप ये 110 आ जाएगी। इस तरह से आप किसी भी इलेक्ट्रिकल मशीन की दक्षता निकालने के लिए आपको उनकी हानियों की गणना करनी होगी और हानियों की गणना करने के बाद आप उसकी दक्षता निकाल सकते हैं। ठीक है, नमस्कार बच्चों।